लो गाइस, और कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक प्यारा सा छोटा सा गाइस एक एन्चेंटिंग हाउस, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल होगा और आप लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा खतरनाक और इतना प्यारा सा होगा। आपका कैसा भी मूड होगा, आप उसके अंदर आओगे और आपको एकदम मज़ा आ जाएगा इसको देख के। गाइस, उसको बनाने के लिए जो हम लोग के पास मटेरियल रिक्वायर्ड है गाइस, वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ हमेशा की तरह। ये रहेगा मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल है गाइस, तो हमें सबको एक एक करके लेना होगा। सबसे पहले गाइस हम लोग कुछ नहीं लेंगे, सबसे पहले गाइस हम लोग लेंगे ये कॉबल स्टोन एंड दिस ओक, और ये प्राइस है। तीन सामान गाइस हम लोग को भी नीड है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग की जगह ये है, वो जगह यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ। सबसे पहले तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ब्लॉक स्टोन लेना है, एक दो तीन, ये ये ये, इसको भी तोड़ो। अब गाइस यहाँ पर समझो चार ब्लॉक्स तोड़ने, एक दो तीन चार, और फिर यहाँ पर एक और आप तोड़ देना ताकि वो फॉर द बॉर्डर, ठीक है गाइस। इससे क्या होगा कि आपका जो और है ना वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी सही, जितना बड़ा बनाएगा गाइस उतना आपके लिए ही ठीक रहेगा गाइस, ठीक है गाइस। तो अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर से ओके एक लगाना है चारों तरफ से इधर। हाँ, अब गाइस हम क्या करने वाले हैं कि इसके बीच में गाइस हम लोग ये ओक रखेंगे। आप गाइस इसकी तरह इसकी जगह पे आप वो भी रख सकते हो जो हमने बॉर्डर पे जो वो लॉक लगाया ना गाइस, ये वुडन लॉक, इसको भी आप इसको स्लाइड में टेढ़ा कर रख सकते हो, आपका चॉइस है गाइस। और जितना आपको जो अच्छा लगे गाइस आप लोग इसके अंदर अपना भी चेंज कर सकते हो, कोई ऐसा बात नहीं कि नहीं आप मेरा ही वाला फॉलो करिए। आपको अगर मन नहीं करेगा तो आप मत करिएगा। तब तक मैं गाइस इसको तोड़ देता हूँ, और यहाँ से भी तोड़ना होगा मेरे को चारों तरफ से, ये और ये। अब गाइस इधर से भी, और ये जितना एरिया गाइस बीच का है उस सबको गाइस मुझको धीरे धीरे खाली करना होगा। अगर गाइस आप लोग ऐसे बीच में टूट जाए तो आप चिंता मत करिएगा, आप उसके ऊपर ऊपर से लगाइएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस बीच में हम लोग कॉबल स्टोन जो होता है ना गाइस वो पुट करेंगे। आप इसकी जगह पे गाइस वो पॉलिश भी रख सकते हो, लेकिन गाइस ये थोड़ा सा रॉ होता है ना तो फोर्स पे गाइस ये टाइल्स का काम करता है, काफ़ी सही लगेगा गाइस आपको ये देख के। आप लोग इसको एक बार ट्राई करना, स्टोन की जगह अगर आप लोग गाइस ये रखोगे या फिर डार्क ओक रखोगे। गाइस मैंने डार्क वहीं पर ओक मैंने गाइस साइड में लगा दिया है, इसलिए मैं गाइस यहाँ पर से ये लगा देता हूँ। अब गाइस हम क्या करेंगे, ये जो लॉग है गाइस इसको चार चार डालेंगे, क्योंकि पहले तो वेदर को हम लोग क्लियर कर देते हैं, नहीं तो ये वेदर गाइस बहुत दिमाग खाएगा। तो बस अब ठीक है, एक कितना लगे, दो लग गया, इसको तोड़ो, ये गलत लग गया, तीन चार, चार चार लॉक हमको इस तरफ से भी लगाना है, एक दो तीन चार, यस एक दो तीन चार, सेम गाइस हम लोग को यहाँ से करना होगा, एक दो तीन चार, फिर इधर से करेंगे एक दो तीन चार, ठीक है। अब गाइस हम लोग सिंपली इसको ज्वाइन करेंगे, तो वो कैसे अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब गाइस हम लोग वापस अपने मटेरियल के पास जाते हैं, और यहाँ पर से हम लोग को चाहिए स्लैब जो कि होने वाला है स्टोन का, और स्टेयर्स। बस अभी ये दो सामान लेके चलते हैं गाइस। हाँ, अब गाइस हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक यहाँ पर लगाना है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर एक उसके ऊपर, यहाँ पर फिर एक यहाँ पर एक उसके ऊपर। अब गाइस यहाँ पर से एक स्टेयर लगाएंगे, इधर नहीं इधर, उल्टा लग रहा है गाइस, इसको ऊपर से लगाना होगा हम लोग को कुछ ऐसे। हाँ अभी सही लग गया। अब गाइस हम लोग ये जो बन गया है, अब हम लोग इसके यहाँ पर से एक और लगाएंगे ये, और इसके ऊपर में इसको रख देंगे। ये देखिए गाइस इस टाइप से आपको चारों तरफ से करना है। अगर आप यहाँ पर स्टेयर्स लगाना नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आप लोग इसको भी तोड़िए, इसको भी तोड़िए। हम लोग इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ यहाँ और एक दूसरा यहाँ, ऐसे होने के बाद आप लोग ये इसको मिडिल में लगा दीजिए, एक इधर लगा दीजिए। उसके बाद आप लोग इसमें एक तो वो लीजिए कैंडल, कैंडल ले सकते हो आप, इसको अपनी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से गाइस हम लोग को वापस से लगाना होगा, तो ऊपर में इसके, और फिर जैसे हम लोग ने गाइस वहाँ पर किया था सेम इसको गाइस यहाँ पर से हमको रिपीट करना होगा। बस रिपीटेशन गाइस हम लोग यहाँ पर कर देना है चारों डायरेक्शन से गाइस, जैसे यहाँ पर ये लगाया सामने, और फिर ये लग गया, इधर भी लग गया गाइस। और अब यही सेम चीज़ गाइस मैं इधर से करने वाला हूँ इसको, और फिर स्टोन के ऊपर इसको, इसको यहाँ पेस्ट करके इसको यहाँ पेस्ट करना है,
और इसको गाइस हम लोग इसके ऊपर में रखना होगा। अब इधर से गाइस हम लोग को फिर यहाँ पर हमको इसको ऐसे रखना है और इसको यहाँ लगा के यहाँ पर इसको भी इसके साथ ज्वाइन कर देना है और यहाँ लगा देना है। ये बन गया गाइस इस तरफ से। अब गाइस हम लोग इसको ही सेम चीज़ को यहाँ पर से भी करने वाले हैं इधर, और ये इसके बाद सेम चीज़ गाइस इस तरफ से रिपीट, एक दो, और फिर इसके ऊपर में ये तोड़ो और ये। अब गाइस एक इसके ऊपर रख, यहाँ इसको तोड़ दो। ये बन गया गाइस हम लोग का ऊपर का। अब गाइस हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं डार्क ओक, जो कि गाइस मैं नहीं लिया हुआ हूँ, अभी ले लेते हैं डार्क ओक। इसको गाइस मैं कर देता हूँ क्लिप पिकैक्स एक्सचेंज, और ये रहा डार्क ओक। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, डार्क ओक को नहीं, हम लोग को गाइस स्लैब चाहिए होगा, वुडन स्लैब। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पर से डार्क ओक का स्लैब ले लेंगे, वो भी इसकी जगह पे। तो अब गाइस हम लोग एक एक करके स्लैब लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब यहाँ पे हो गया, अब वापस इसको कवर कर देंगे इधर 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 नीचे वाले से गाइस, इसको कवर कर देंगे, हो गया। अब इसको जरा नीचे करके एक ब्लॉक, और फिर इससे इसको कवर जॉइंट, अब बीच में इसको फिल कर देंगे। अब गाइस जो ये बना है, अभी मेरे को यहाँ पर से एक और लगा के इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे गाइस, इसको यहाँ पर तोड़ दो। ये बना गाइस। अब गाइस यही सेम चीज़ हम लोग इस कॉर्नर से करेंगे, पहले इधर लगाओ, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर अगेन, फिर इसके ऊपर इधर से जॉइन, फिर इसके ऊपर और इसके ऊपर, और यहाँ पर से भी गाइस मुझको वही सेम चीज़ प्रोसेस को रिटर्न करना होगा। सबसे पहले इस कॉर्नर पे हम लोग ये लगा लेंगे ऐसे, उसके बाद फिर इधर से, उसके बाद फिर यहाँ पर लगा के इसी तरफ में गाइस हम लोग इसको कंटिन्यू कर देंगे, जैसे हम लोग ने पीछे की तरफ में गाइस किया था, काफ़ी सही था गाइस वो भी। और इधर भी हम लोग वैसे कर देंगे पहले, उसके बाद गाइस एक एक इसमें सब में बढ़ा देंगे, और अब इसमें थोड़ा सा दो दो बढ़ाना होगा, एक 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 और एक, इधर भी एक एक और इधर दो, बस ये इधर से भी हो गया, इधर से भी हो गया, और बस गाइस उधर से करना बाकी है। तो इधर से गाइस हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इधर से इसे लगाना है। बन गया गाइस हम लोग का टॉप प्रूफ गाइस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसको ब्रेक करना होगा, इसको भी और इसको भी, देख सकते हो गाइस कि मेरा टॉप प्रूफ जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया है। तो अब गाइस हम लोग यहाँ पर भी एक लगा देंगे और ये बन गया। अब जो गाइस हम लोग को करना है ना, वो एक इधर से इसको ज्वाइन कर देना है, और ये कम्प्लीटली गाइस टॉप प्रूफ हैज़ बिन कम्प्लीटेड गाइस हम लोग का। अब गाइस हम लोग को काम करना है, तो वो करना है नीचे से। तो देखिए गाइस हम लोग कैसे करते हैं इसको नीचे से, इधर भी तोड़ना होगा, ये जुड़ा हुआ पहले से, तो ये दोनों इंडिडेड है। अब इसको भी यहाँ से हटाना होगा और इसको भी यहाँ से हटाना होगा, इसको ज्वाइन एंड इसको ज्वाइन। बस अभी चल के गाइस हम लोग देख लेते हैं कैसा लग रहा है। देखिए गाइस ये काफ़ी सही लग रहा है, बस ये यहाँ पे लग गया, इसको हटाओ। हाँ अभी ठीक है, अभी गाइस हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि गाइस अभी रात हो रहा है, तो रात में गाइस इतना सही से हम लोग को दिखाई नहीं देगा। चलिए गाइस अब गुड मॉर्निंग हो गया है, अब हम लोग अपना काम को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस जो हम लोग का टॉप रूफ था वो मैंने कंप्लीट कल कर दिया था, तो अब गाइस हम लोग को अपने और दूसरे सामान लाना होगा। तो वो जो सामान है गाइस जगह से ले आते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस हम लोग को इसमें से चाहिए, सबसे पहले गाइस हम लोग को क्या चाहिए था, फिंच चाहिए, उसके बाद लालटेन चाहिए और एक चेन चाहिए। बस ये तीन सामान गाइस अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी गाइस हम लोग यहाँ पर से एक एक ब्लॉक का फिंच लगाने वाले हैं। तो फिंच को गाइस हम कर देते हैं इसकी जगह पे एक्सचेंज, और यहाँ पर लगाते हैं फिंच, दो गलत लग गया, इधर और इधर भी, इधर भी, इधर ये बन गया। अभी गाइस ये तीनों तरफ से लगा दिया, अब गाइस हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा सा साइड से एक एक निकाल देंगे। अब गाइस इसमें गाइस हम लोग को डाल देंगे, इसमें हम लोग डालेंगे अपना लालटेन, तो इसको इसमें टांग दो, ये टंगा नहीं रहेगा, इसकी जगह पे हम लोग को लग रहा है चेन डालना होगा, पहले मैं समझ गया। इसको यहाँ पे लगाओ और इसको लगाओ। अब गाइस जो चेन होगा गाइस उसको मेरे को इसकी जगह रखता हूँ, और ये चेन को गाइस मुझको यहाँ नीचे से लगाना होगा, गलत लग गया, ऊपर लग गया गाइस, इसको नीचे झुक के यहाँ पर, यस। अभी गाइस इसी को सेम चीज़ मेरे को यहाँ पर से ही लगाना होगा, और अब गाइस यहाँ पर मैं लालटेन लटका सकता हूँ। तो ठीक है, अगर लालटेन नहीं लटक रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी यही चीज़ मेरे को चारों तरफ से नहीं करनी, बस ये फ्रंट का लुक हो गया। अब गाइस मैं क्या करूँगा, टॉप रूफ पे एक
चार लालटेन का चार चेन लगाऊंगा मैं ऐसे, और लालटेन भी इसके अंदर ढेर सारे टांग दूंगा। गाइस हम लोग को ये चेन में नहीं करना है, हम लोग इसको गए हम लोग बिना चेन के भी कर सकते जो कि ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लोग इस चेन को हटा देते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर चार लालटेन लगा देते हैं, अभी ठीक है। ये हो गया गाइस हम लोग का अंदर का थोड़ा सा सेटिंग कंप्लीट, देखिए गाइस सही लग रहा है। और अब गाइस बारी आती है साइड साइड से बाहर का कंप्लीट करने का, तो बाहर से गाइस बाकी कंप्लीट करने के लिए ये सामान जल्दी से हम लोग अंदर रख के आ जाते हैं, जितना स्लैब वगैरह है ये लोग का ये सब का अभी काम नहीं है, बाकी बाद में है। और इसको इधर रख देते हैं और इसको भी इधर, लालटेन और इसको इधर, और ये भी जाएगा इसमें बस। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, बाकी ये सामान चाहिए उसमें पहला है ग्लास, एक ही स्टैक काफ़ी है, और एक ये चाहिए, और बाकी अभी कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद हाँ लॉक चाहिए गाइस, वो चाहिए हम लोग को ओक, ओक प्लैंक्स गाइस हम लोग ले लेते हैं थोड़ा सा। तो अब गाइस हम लोग यहाँ पर से अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, एक एक ब्लॉक का गाइस यहाँ पर लगाएंगे ऐसे, और इधर से भी। अब गाइस हम लोग यही चीज़ को इधर से भी रिपीट कर देंगे, इस सेम चीज़ को गाइस इधर 1 2 3 4 5। अब गाइस जी जो इधर से कर लिया, अब मैं क्या करूँगा गाइस कि इसके बीच में मैं फटाफट से ग्लास फिल कर दूँगा, जल्दी जल्दी ग्लास, इसमें सारा का सारा हमें ग्लास फिल करना है गाइस। उससे क्या होगा कि अंदर का जो गाइस शैडो वगैरह वो हट जाएगा और काफ़ी ज़्यादा कूल लगेगा फिर अपना गाइस ये एन्चेंटिंग रूम। थोड़ा सा एरिया गाइस मैं छोड़ दिया हूँ फॉर द गाइस ज़्यादा घटन ना हो अंदर, इसलिए ताकि गाइस अंदर बाहर एयर मूव करता रहे, उसके लिए गाइस मैंने वहाँ पे थोड़ा सा एरिया छोड़ दिया है बस। अब गाइस मैं यहाँ पर भी थोड़ा छोड़ के यहाँ पर लगा दूंगा, सेम जैसे गाइस मैंने उधर लगाया था, इधर भी गाइस ग्लास लगाना है, और पीछे की तरफ भी मैं ग्लास ही लगाऊंगा या फिर मैं यहाँ पर ओक लगा सकता हूँ, ज़्यादा सही गाइस ग्लास रहेगा क्योंकि गाइस अंदर में हम लोग बुक शेल्फ्स डालेंगे तो फिर उससे ओक लग ही जाएगा, तो ग्लास ही यहाँ पर भी लेने देते हैं इधर और इधर। ये बना हम लोग का गाइस बाहर से 90% गाइस बाहर से हम लोग का एन्चेंटिंग रूम कंप्लीट हो गया है। अब गाइस हम लोग यहाँ पर और मेन क्या करने वाले हैं, अब आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ नीचे से हम लोग एक एक ब्लॉक का और लगाएंगे गाइस कैसे, तो अभी आप लोग देखो इधर इधर यहाँ पर से सेम चीज़ फिर यहाँ पर देन फिर यहाँ नहीं यहाँ पे नहीं साइड थोड़ा सा ये इस एरिया पे गाइस हम लोग लगा के यहाँ पर हम लोग डालेंगे लीफ 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 गाइस। ये लीफ है गाइस फॉर द डेकोरेशन है, काफ़ी सही लगेगा गाइस हम लोग का एन्चेंटिंग रूम बाहर से फिर इसको लगाने के बाद, तो देखो कितना सही लग रहा है अभी से ही। और अभी गाइस हम लोग इसके ऊपर में रखने वाले हैं कैंप फायर जो कि काफ़ी सही हो लगेगा इसको रखने देने के बाद। कैंप फायर ले आओ गाइस, कैंप फायर जीरा कैंप फायर, इसको ओक की जगह रखते हैं, और शवल मेरे पास है ही। तो बस अब हम लोग क्या करेंगे जिसके ऊपर कैंप फायर को जितना है ना गाइस सब पे कैंप फायर रख देंगे और सबको बुझा डालेंगे, जितना है सबको गाइस हम लोग को बुझा देना है। और उधर भी सेम चीज़ गाइस मुझे रिपीट करना है, तो लीफ के ऊपर गाइस इसको रखो और बस रखते जाना है इधर से, और इस कैंप फायर को तोड़ो और इसको रखो। अब शवल लेकर गाइस सबको मेरे को बुझा देना है बस। देखिए गाइस कितना सही लग रहा है हम लोग का एन्चेंटिंग रूम बाहर से, और अभी अंदर से गाइस हम लोग को करना है थोड़ी तो वेदर को गाइस क्लियर कर दो, वापस से गाइस परेशान करने लगा है हम लोग को कि वेदर क्लियर, चलो क्लियर कर दो वेदर बस। अब गाइस हम लोग को ऊपर से एक काम और करना है जो कि सही में अच्छा काम है। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, एक तो ओक लेंगे, ओक लाओ, ओक का गाइस इसमें बहुत काम आने वाला है, हम लोग ओक भी ले सकते हैं और ये वाला वुड भी ले सकते हैं, हम लोग गाइस ये वाला वुड ही लेते हैं, ये ज़्यादा सही लगेगा और है भी गाइस ये सही। अब हम लोग क्या करेंगे बीच में चार ब्लॉक्स को ऐसे ऐसे लगाएंगे, तो हम लोग को ऊपर से लगाना होगा लेते हैं गाइस खड़ा लगे हाँ अब ठीक है। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे बीचों में चारों पे एक कैंप फायर रखेंगे बस। अब गाइस मुझको चाहिए ट्रैप डोर, ये गाइस मेरे पास उसमें नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर से ही ले लेता हूँ ना ट्रैप डोर, ये रहा इस वाले ट्रैप डोर गाइस मुझको लालटेन की जगह एक्सचेंज करना है और फिर एक एक करके मुझको यहाँ पर से लगाना है। इसको करो बंद, फिर गाइस इसको भी करो, ये गलत लग गया, इधर से इधर इधर और फिर लास्ट है गाइस इधर इधर और इधर से फिर दो मेरे को इधर से लगा देना है और सब गाइस जाकर के मेरे को क्लोज कर देना है बस, ये बस क्लोज करना है
और फिर गैस उन लोग का रूफ गैस 100% कम्प्लीट हो जाएगा। जी गलत लग गया ट्रैप डोर, उसको पीछे से कर करके यहाँ पर लगा देते हैं। ये भी गलत लगा हुआ है इसको, और ये अब गैस आप लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग का बन गया चिमनी, क्योंकि कहीं काफ़ी हद तक सही भी बहुत लग रहा है। अब गैस हम लोग ने कैंप फायर रख दिया और ये हम लोग का बाहर से कम्प्लीट हो चुका है। अब गैस हम लोग क्या करेंगे, बस एक काम और है, कैंट हम लोग को थोड़ा सा सामान और चाहिए अपने इसमें से, तो जल्दी से हम लोग सामान ले आते हैं। क्योंकि जो सामान चाहिए वो चाहिए हम लोग को कैंडल, तो कैंडल हम लोग ले लेते हैं। इसको यहाँ पर रख दो, एक कैंडल इधर और एक कैंडल इधर, बस ये दो ही कैंडल रखेंगे। इसको जला देते हैं फ्लिंट से, फ्लिंट एंड स्टील, ये जला। और इधर भी गैस हम लोग इसको एक्टिवेट कर देंगे। बस अभी गैस हम लोग का ये बन गया है काफ़ी सही वाला बाहर से। अब गैस एक काम और करना है, जो हम लोग ने यहाँ पर से ग्लास लगाए हैं, बस इसके कॉर्नर कॉर्नर पे एक एक ब्लॉक तोड़ना है इस तरफ से भी। बस ये दो ब्लॉक को हम लोग को ब्रेक करना था। और यहाँ पर हम लोग रखने वाले हैं फ्लावर पॉट, क्योंकि गैस शायद से दिखाई तो नहीं देगा लेकिन सही लगेगा गैस, क्योंकि ये जो फ्लावर पॉट होगा इससे लगेगा कि रूम में मतलब कि वो नहीं है, मतलब कि इसके अंदर घुटन टाइप नहीं होगा, ग्रीनरी है। बस अभी देखो गैस कितना सही लग रहा है। अब गैस अंदर का काम कर लेते, तो अंदर का काम करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को चाहिए आर्मर स्टैंड, तो अंदर का सामान जल्दी से हम लोग गैस ले आते हैं। इस रात से पहले गैस हम लोग अपना सारा काम कंप्लीट कर देंगे, तो जल्दी जल्दी हम लोग को काम करना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को चाहिए अपना बुक सेल्फ, चेस्ट, एन्चेंटिंग, ये और ये। बस अब हम लोग को चाहिए ये चीज़, और आर्मर स्टैंड भी दे दो, आर्मर स्टैंड और वाटर बकेट का बाद में काम आएगा। और ये आर्मर गैस मेन चाहिए हम लोग को, अपना आर्मर गैस हम लोग ले लेते हैं। एक आर्मर गैस मैं पहना हुआ हूँ और दूसरा गैस मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग का काम कर लेते हैं जो कि होने वाला है इसको रख देने का, एक इधर और एक इधर, गलत लग गया ऐसे, हाँ अभी ठीक है। अब गैस इधर आप क्या कर सकते हो कि गैस ये जो आर्मर आपके पास है आप इसमें अपना रख सकते हो। ये देखो गैस सेम चीज़ मैं इधर भी डाल देता हूँ, बस देखिए गैस अभी आपका आर्मर आप इसमें रख सकते हो। अब आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपना इसको दे दो, अब अपना आकर के काम में ले सकते हो। इसी मैं इसको चावल दे देता हूँ, ले चावल ले ले। बस अभी गैस आप लोग का ऐसा ही दो चीज़ का अच्छा है, एक लगेगा कि ये दोनों प्रोटेक्शन कर रहा है आपको, तो बहुत सही है गैस यार। ये आप अपना रख देना फॉर द प्रोटेक्शन डेकोरेशन, जैसा आपको मन चाहे आप अपना रख सकते हो। बस इतना रखने के बाद आप लोग को फिर अब अंदर से काम करना है, तो अंदर से जो हम लोग गैस बुक सेल्स लगाए हैं उसको इधर रखो। जल्दी गैस हम लोग को अपना काम अभी निपटाना होगा। बुक सेल्स हम क्या करेंगे गैस, यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब गैस हम लोग यहाँ पर इसको तोड़ो, बस अब गैस यहाँ पर से एक ब्लॉक इधर एक इधर, अभी वापस इसको लगा दो और इधर। अभी गैस हम लोग को इधर भी लगाना होगा, इधर भी लगा देना होगा, फिर इधर इधर इधर, बस गैस आर्मर स्टैंड टूट गया, नहीं तो हम लोग वो भी अभी वापस से लगा देते हैं। ये गैस मैंने आर्मर स्टैंड लगाया और इसको दोबारा से गैस मैं आर्मर पहना देता हूँ, ये आर्मर गैस मैं इसको एक्टिव करा देता हूँ सारा का सारा, ठीक है। अब देखिए गैस कि हम लोग का ये बन गया, इसको स्वर्ड पकड़ा दो, बस ये गैस हम लोग कंप्लीट हो गया। अब गैस हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर से एन्चेंटिंग टेबल को गैस हम लोग लाए हैं, इसको यहाँ पर रख देंगे। आप लोग को मैं दिखाता हूँ, जैसे ये एन्चेंटिंग टेबल है, इसको इधर नहीं, इसको इधर नहीं, इधर, बस दो एन्चेंटिंग टेबल रहेगा। और गैस बाकी इधर इधर से गैस हम लोग एक चेस्ट लगाते हुए इधर तीन तीन चेस्ट करके गैस हम लोग रख देंगे, जिसमें आप अपने बुक्स रख सकते हो, सिंगल सिंगल चेस्ट, आप अपना सामान कुछ भी रख सकते हो इसके ऊपर, जैसा आपको मन अच्छा लगे। और अब गैस हम लोग क्या करेंगे, अपना और भी एक सामान यहाँ रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम दो ये लगा के एक में हम गैस अपना ये स्वर्ड डाल देंगे, इसको पूरा से उल्टा कर दो, और दूसरे में भी हम लोग गैस एक स्वर्ड ही डाल देते हैं फॉर द डेकोरेशन गैस। ये भी देखिए गैस अभी आपका मेरा गैस पूरा का पूरा गैस ये कम्प्लीट हो गया है एन्चेंटिंग रूम। अगर आप लोग को गैस ये वीडियो, अगर आप लोग को गैस ये एन्चेंटिंग हाउस पसंद आया होगा तो गैस आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।